डोमेस्टिक मार्केट की परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है, ओवरसीज मार्केट में कंपनी एक्सपेंड कर रही है और जिससे कंपनी आने वाले सालों में अपने अच्छे रेवेन्यू ग्रोथ की प्रोजेक्शंस को मेंटेन किया है। अभी भी 103 के लेवल पर ये स्टॉक कामकाज कर रहा है, लेकिन अब एफ एंड ओ मार्केट का पूरा एक्शन समझ लेते हैं और ये समझने के लिए सीधे चलते हैं न्यूज रूम रजत के पास। बताइए रजत, हायर लेवल्स पर निफ्टी सस्टेन नहीं कर पा रहा है, दो सेशंस का ट्रेंड तो यही इंडिकेट कर रहा है। 8200 अब एक थोड़ा उसको क्रॉस करना निफ्टी के लिए मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन अगर डेरिवेटिव डेटा को अभी तक के स्टडी करें तो एग्जैक्टली ट्रेडर्स का, इंस्टीट्यूशंस का बायस किस तरफ नजर आ रहा है? 8220, 8240 ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन साबित होंगे मार्केट के लिए, क्योंकि अब इन्हीं स्तरों से जैसे आपने कहा बाजार पलटता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं है, एक कंसोलिडेशन फेज आ सकता है, एक दम में बना रहेगा मार्केट, क्योंकि भारी कॉल्स जो है 8200-8300 कॉल्स वहां पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया, 10-10% ओपन इंटरेस्ट में बिल्डअप आज के सत्र में देखने को मिला। इंपॉर्टेंट ये है कि इतनी ज्यादा गिरावट इसलिए नहीं आएगी क्योंकि पुट्स में राइटिंग निचले स्तरों से काफी जोरदार पिछले कुछ दिनों में हुई थी और अभी भी ओपन इंटरेस्ट काफी स्ट्रॉन्ग खड़ा है। 8100-8000 की पुट्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में बढ़त देखने को मिली है, तो कोई ऐसी इंडिकेशन है नहीं कि बाजार पे इस समय शार्प फॉल देखने को मिल सकता है, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक हलचल बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए सुबह से ही टाटा मोटर्स डीवीआर दोनों में तेज मोमेंटम है। ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से टाटा मोटर्स एक बेहतर ट्रेड साबित हो रहा है, 20% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा और स्टॉक में जोरदार तेजी है। टाटा मोटर्स डीवीआर के ओपन इंटरेस्ट में इतनी तेजी नहीं है, लगभग 2.5-3% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया। एनटीपीसी और बायोकॉन दो ऐसे ट्रेड्स जो आज ट्रेडर्स फोकस कर रहे हैं तेजी में एफएनओ मार्केट पे। एनटीपीसी का ओपन इंटरेस्ट 4.5% बढ़ा है और बायोकॉन का 7.5% ओपन इंटरेस्ट, बायोकॉन नए लेवल्स छू रहा है, बहुत स्ट्रांगली खरीदारी हो रही है इन स्टॉक्स पे। लेकिन कुछ गिरावट वाले ट्रेड्स और नतीजे कंपनियों के आए थे, जैसे कि सन फार्मा, रिलायंस कम्युनिकेशन, वहां पर आज शॉर्ट्स ज्यादा ओपन हुए हैं। सन फार्मा मिसाल के तौर पर 15% ओपन इंटरेस्ट के साथ दिन के निचले स्तर पर 5.5-6% के आसपास का गोता ऑलरेडी लगा चुका है। रिलायंस कम्युनिकेशन, बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो आज ट्रेडर्स शॉर्ट साइड पे ओपन कर रहे हैं। इनफैक्ट बैंकिंग स्टॉक्स ने आज डिसअपॉइंट किया। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया रजत इस पूरे एफएनओ अपडेट के लिए। चलिए कुछ और क्वेरीज को भी शामिल कर लेते हैं हमारे पास। अब जो अगली क्वेरी के लिए फोन लाइन पर दर्शक मौजूद है, कर्नाटका से संतोष हैं। नमस्कार संतोष जी। जी बताइए। संतोष जी आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और अपना सवाल पूछिए। मैडम हेलो, मेरे पास 1200 शेयर है शिल्पा मेडिकेयर के। हाँ कम कर जी, 1200 शेयर है 462 भाव के राइट, शिल्पा मेडिकेयर के जी। नजरिया क्या रखते हैं? हाँ, और एक कंपनी का 250 शेयर है सन फार्मा के, 826 भाव का है। मैं ओल करना ठीक रहेगा या एग्जिट होना ठीक रहेगा मुझे? ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। सुमित, दो शेयर्स हैं इनके पास, शिल्पा मेडिक्योर में इन्होंने निवेश किया है 1200 शेयर्स में, 462 के आसपास यहाँ पर खरीदारी की हुई है, करीब करीब 4 रुपए का यहाँ पर नुकसान है पर शेयर। सनफार्मा पर देखें तो इन्होंने 250 शेयर्स लिए हुए हैं 826 के भाव पर, यहाँ पर तो कमजोरी डेफिनेटली देखने को मिल रही है। दोनों पर ही क्या सलाह देंगे आप, कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं? देखिए शिल्पा मेडिकेयर जो स्टॉक है वो एक अच्छी तेजी दिखा रहा है पिछले कई महीनों से, और पिछले 1-1.5 महीने में इसने कंसोलिडेशन मोड दिखाया है, यानी कि अभी एक वीकनेस देखने को तो मिल नहीं रही है स्टॉक में। इसमें स्टॉक में वीकनेस देखने को मिलेगी अगर ये स्टॉक नीचे में 440 या फिर 430 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो। जब तक ये स्टॉक उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तब तक ये स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। ऊपर में अगर इनको 480-500 का लेवल मिल जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग कर ले, इतनी ही रेंज शिल्पा मेडिकेयर की समझ में आ रही है। दूसरा स्टॉक जो इन्होंने पूछा सन फार्मा, उसके अंदर एक रिजल्ट्स के चलते और एक टेक्निकल सेल ऑफ देखने को हमको मिल रहा है। हो सकता है इस स्टॉक के अंदर 1-2 महीने और मंदी देखने को मिले और नीचे में शायद 700 के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह नहीं रहेगी प्रेजेंट लेवल्स पे, 700 के आसपास आता है तो ये एवरेज करने की सोचे। लॉन्गर टर्म होराइजन इसमें बना के चले 6-9 महीने का। जब भी ये स्टॉक दोबारा रिकवरी मारता है और ऊपर में 830 का स्तर तोड़ेगा तो ये स्टॉक के अंदर ऊपर में 950-1000 के लेवल हमको देखने को मिलेंगे। टाइम होराइजन 6-9 महीने का देना होगा, एवरेज 700 के स्तर के आसपास करने की सोचे। नरेंद्र हैं अगले कॉलर हमारे साथ, बरेली से बातचीत कर रहे हैं। नरेंद्र जी नमस्कार, क्वेश्चन पूछे अपना। हेलो बताइए नरेंद्र जी, क्या क्वेश्चन है आपका? मैडम मेरे पास आर कॉम के शेयर हैं। ओके, 49 में 300 49, ठीक है, और 500 शेयर है डीबी रियलिटी। यहाँ आपका खरीद भाव क्या है? 55 में। ठीक है, मैं दोनों ही शेयरों पर आपको राय दिलवा देती हूँ। विजय क्या करना चाहिए? रिलायंस कम्युनिकेशन परचेजिंग प्राइस 49 और डीबी रियलिटी यहाँ परचेजिंग प्राइस 55 का, दोनों ही स्टॉक्स इनके खरीद भाव से नीचे हैं, क्या करें?
दोनों में ही मैं एग्जिट बोलूंगा किसी भी रैली में, और बहुत सारे कंट्रोवर्सीज रहे हैं डीबी रियलिटी के आसपास, तो मैं कहूंगा कि अगर इनको रियल एस्टेट सेट में रहना है तो डीएलएफ में ये निवेश कर सकते हैं। डीएलएफ में काफ़ी खबरें आ रही हैं, जैसे डीटी सिनेमास वो हाई वॉफ करने की बात कर रहे हैं, और काफ़ी नॉन कोर असेट्स उन्होंने अभी हाई वॉफ किए हैं अपना डेट कम करने के लिए। तो रियल एस्टेट क्षेत्र में मैं कहूँगा डीएलएफ इज़ अ बेटर पिक, और ओबरॉय रियलिटी इन बॉम्बे ये एक अच्छी पिक्स हैं। जहाँ तक रिलायंस कम्युनिकेशंस की बात है, ये भी मैं कहूँगा कि किसी भी रैली में बाहर निकलिए अगर आपको रहना है तो आप दिग्गज के साथ रहें, मेरे हिसाब से भारतीय एयरटेल इज़ अ बेटर पिक। ऑलराइट, चलिए तो दोनों ही शेयर्स पर आपको एग्जिट ऑन रैली की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, यही सलाह है एक्सपर्ट्स की।